चाहे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो या फिर स्टॉक मार्केट में पैसे डालना हो, ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर आपको प्रूफ के लिए अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स की कॉपी को अपलोड करना होता है। सो इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपका SBI में बैंक अकाउंट है और आप उसकी स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो SBI बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करने के दोस्तों आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक आप योनो SBI से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद एक आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर से ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे यहाँ पर बेटर तरीका है वो है क्रोम ब्राउजर से ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पर आप जितनी स्टेटमेंट्स डाउनलोड करना चाहो उतनी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जब आप योनो SBI से करते हो तब आपकी सिर्फ लास्ट 10 ट्रांजेक्शन डाउनलोड होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसी से डाउनलोड करना बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इससे भी बता दूंगा। तो अब ट्रांजेक्शन को डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है SBI लॉगिन। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट आ जाएगी और इसमें लिखा होगा कंटिन्यू टू लॉगिन, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड और ये जो कैप्चा आपको नीचे दिखाया जा रहा है इसे आप यहाँ पर डाल के इसमें लॉगिन हो जाओगे। और उसके बाद आप यहां से कुछ इस प्रकार की अपनी स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपकी सभी ट्रांजैक्शन मौजूद होंगी। आपने कितने रुपए डेबिट किए हैं, कितने क्रेडिट हुए हैं, आपका बैलेंस कितना है, उसकी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप किसी भी अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स को तभी डाउनलोड कर सकते हो जब आपने उसका यहाँ पर नेट बैंकिंग चालू किया होगा। जब आप नेट बैंकिंग को चालू करते हो तब आपके अकाउंट का एक यूजर नेम और पासवर्ड बन जाता है और उसी को डाल के आप यहाँ से ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हो। तो अगर दोस्तों आपने अपने SBI बैंक अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं सेट किया है तो इसे कैसे सेट करते हैं ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे देखकर आप अपने बैंक अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर लेंगे और उसके बाद आप उसे यहाँ पर डाल के कैप्चा एंटर करके लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही दोस्तों आप अपनी डिटेल्स को एंटर करने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपकी बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP को डालने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे देन आप इसमें लॉगिन हो जाओगे और उसके बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार का आ जाएगा और यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट के सभी काम कर सकते हो। तो अब स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप जितने टाइम की अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेट वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, मंथ वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे अगर आपको किसी मंथ की चाहिए तो उससे आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट्स चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की चाहिए तो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ पिछले 3 साल की बैंक स्टेटमेंट को ही डाउनलोड कर सकते हो, उसके पहले की नहीं डाउनलोड कर सकते। और इसी प्रकार आप एक बार में सिर्फ 12 महीने की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे दोस्तों मैं लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करना चाहता हूं तो इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप किस प्रकार डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ अगर देखना चाहते हैं तो आप व्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपकी गैलरी में आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी PDF के फॉर्मेट में। और उसके बाद अगर आपको डिजी लॉकर पर अपलोड करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तब आपकी सभी ट्रांजैक्शन यहां पर इंक्लूड नहीं होती हैं। इसीलिए अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो और आपको सभी ट्रांजैक्शन चाहिए तब आप यहां पर मंथ वाइज डाउनलोड कर लोगे। तो मुझे यहां पर लास्ट 6 मंथ की चाहिए तो इसे सेलेक्ट करने के बाद यहां पर इसको सेलेक्ट करने के बाद गो के बटन पर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा देन मेरे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स आ जाएगी जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 पेजेस में मेरी सारी यहाँ पर स्टेटमेंट्स मौजूद है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, कितना अमाउंट डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, कितना बैलेंस बचा था, डेट क्या थी,
वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आप ऑनलाइन SBI.SBI की वेबसाइट पर आकर अपनी स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप योनो SBI से डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है और योनो SBI ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे देन आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें भी आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड को डाल के पहले लॉगिन करना होता है। तो जैसे ही इसमें आप लॉगिन हो जाओ उसके बाद आपको यहाँ अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ ट्रांजैक्शन में आ जाओगे। एक बार ये रेफरेंस हो जाए ठीक से तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जब यहाँ से डाउनलोड करते हो तब आपकी सभी स्टेटमेंट्स नहीं डाउनलोड होती हैं, चाहे भले ही आप यहाँ से अपना टाइम पीरियड सेट कर लो, आपकी सिर्फ 10 स्टेटमेंट डाउनलोड होती हैं और वो भी यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं। उसमें आपको कुछ इस प्रकार से पासवर्ड डालना होता है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के स्टार्ट के 4 डिजिट डालोगे, @ लगाओगे और उसके बाद जो इसमें मोबाइल नंबर लगा है उसके लास्ट के 4 डिजिट डाल के जैसे ही आप इसे ओपन करोगे देन आपकी PDF फाइल ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने SBI के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। और इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।